लोग लॉस कर करके थक जाते हैं और सोचते हैं कि काश एक दिन हमें प्रॉफिट हो जाए, लेकिन जो लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं दोस्तों, उन लोगों को मैं ऐसे आदत डलवा चुका हूं कि यार हम प्रॉफिट कर करके थक चुके हैं और सोच रहे हैं कि कौन से दिन हमारा लॉस होगा। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है और हीरो जीरो स्पेशल लेवल में देने वाला हूं। और प्राउडली आप सबके प्यार की वजह से दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन को मिला के पिछले 8 दिन से जो मैं फ्री में कॉल टिप्स दे रहा हूं बिल्कुल सही हो रहा है। आज के दिन का ही आप देख लीजिए, क्लियर कट 10:35 पे ही बोल दिया था 18,843। निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे जाना चालू करता है देन डेफिनेटली हमें पुट ऑप्शन खरीदना है। उसके बाद होना क्या था, जैसे ही दोस्तों लेवल ब्रेक डाउन किया, बूम सीधे के सीधे सुबह-सुबह दोस्तों जो आज के दिन साइडवेज मार्केट था, लेकिन साइडवेज मार्केट में भी जहां से मोमेंटम आया वहां से ऑलरेडी मैंने पहले ही प्रेडिक्ट करके बता दिया था और फ्री वाले ग्रुप पे दोस्तों आज के दिन भी हो गया हमारा प्रॉफिट। जाके अभी कभी फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा दिन। और मेरे क्वालिटी वाले ग्रुप पे जो 19,100 का पुट दिया था निफ्टी का, वो भी बहुत हिट गया, 264 से 302 वो हाई मारा। और होना क्या था, जो दोस्तों आपके सामने है 48,000 से ज्यादा प्रॉफिट, 26,000 से ज्यादा प्रॉफिट, 38,000 से ज्यादा प्रॉफिट। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, कल के एक्सपायरी सबसे इंटरेस्टिंग और एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में क्या हो सकता है देखेंगे, उसके साथ साथ दोस्तों ऑप्शन चेन भी देखेंगे, क्योंकि आज के दिन आखिरी मोमेंट पे जिस तरह से दोस्तों यहां से कॉल लेटर हटे हैं ना, मेरे दिमाग तो सटक गया है, क्योंकि कल के दिन भाई बहुत बड़ा ऊपर की तरफ रैली होने का पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखेंगे सारे कॉल लेटर गायब हो चुके हैं, लेकिन मार्केट इतना ऊपर नहीं गया, कुछ तो दोस्तों गड़बड़ है। और जो गड़बड़ होगा और बहुत बड़ा मूव अगर आएगा, लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा, बहुत कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। और दोस्तों स्क्रीन पे अगर देखेंगे आपके सामने आ रहा है दोस्तों, जो हमारे दोस्त ने कल के दिन क्वेश्चन पूछा था, प्रीति मैम आई थिंक उन्होंने पूछा था क्वेश्चन, प्रीति मैम आपके स्क्रीन पे सामने कहीं ना कहीं फ्लैश हो रहा है, उन्होंने पूछा था जो भी क्वेश्चन दोस्तों, उसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक लंबा आंसर रहेगा, वीडियो के आखिर में कहीं ना कहीं उनका आंसर मैं देने वाला हूं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करके पूछिए, सो देट मैं आंसर दे सकूं अगले दिन। ट्रेडिंग के रिलेटेड होना चाहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होना चाहिए, कॉल पुट होल्ड किए तब भी कमेंट कीजिए। और प्लीज सब्सक्राइब नहीं करते ना, आज अगर 10 सब्सक्राइब नहीं बढ़ाना भाई दिल टूट जाएगा। तो सिंपल बात है, चलिए कल के दिन के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कल के दिन के लिए हीरो जीरो ट्रेड बताऊं, चलिए बता ही देता हूं। अगर कल के दिन दोस्तों मार्केट फ्लैट है, फिर गैप अप खुला और 43,946 इस लेवल के ऊपर, याद रखिए बैंक निफ्टी कल के दिन अगर 43,946 इसके ऊपर निकलना चालू किया तो कॉल खरीद लेंगे, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत सिंपल रीजन है दोस्तों, आज के दिन अगर देखेंगे मार्केट फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुला, गैप अप खोल के हाई बना दिया 43,946 का, अगर देखेंगे हाई बना दिया, उसके बाद तो उसका नाटक चालू हो गया। पूरे दिन अगर देखेंगे दोस्तों वोलेटाइली मूव दिया है, एक रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं आज के दिन मार्केट रहा। तो कल के दिन दोस्तों ये रेंज जैसे ही निकलेगा 43,946, देन डेफिनेटली आप क्या करेंगे, नॉर्मल कॉल खरीदेंगे, हीरो जीरो का कॉल नहीं खरीदेंगे। मैं बताता हूं आपको कौन से लेवल के ऊपर हीरो जीरो कॉल खरीदना है। तो ये तो रीजन समझ में आ गया दोस्तों कि ठीक है भाई, मार्केट फ्लैट खुला, एक रेंज के अंदर घूमता गया, और आप जो बोल रहे हैं कि आज का डे का हाई यानी कि रेजिस्टेंस जो है, अगर आप देखेंगे आखिरी टाइम पे भी आज का डे का हाई के आसपास आया था लेकिन फिर नीचे गिर गया, तो 43,946 के ऊपर हम कॉल बाय करेंगे। इतना क्लियर हो गया। मेन हीरो जीरो पता है कब बनेगा, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट है फिर गैप अप खुला या फिर ऊपर भी गया और 44,075 के ऊपर अगर कल के दिन मार्केट सस्टेन कर दिया ना, तो मेरे भाई आप, मैं लिख के देता हूं बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके साथ ऑप्शन चेन थोड़ा कंबाइन करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील आएगा। ऐसे ही बोल दूंगा तब भी आपको यकीन नहीं होगा कि 44,075 के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके पीछे अगर मैं आपको रीजन बताऊं, पहले तो देखिए 44,000 एक राउंड लेवल है, और आपको सबको बताएं दोस्तों राउंड लेवल पे भर भर के कॉल लेटर बैठे रहते हैं, लेकिन टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे 44,075 कंप्लीटली रेजिस्टेंस है। यहां पे आप देखिए एक बार मार्केट गिरा था, सेकंड टाइम देखिए जैसे ही मार्केट टच किया एग्रेसिवली मार्केट गिरा, थर्ड टाइम देखिए दोस्तों टच किया एग्रेसिवली मार्केट गिरा। ये तो देखिए पिछला वाला एक्सपायरी है, ये पहले वीक का ही एक्सपायरी है, पिछला वाला वीक का मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिरा, तो यहां पे एक बार दो बार तीन बार सेम लेवल को टच हो चुका है। तो कल के दिन हीरो जीरो कब बनेगा, अगर गैप अप खुल के 44,075 के ऊपर निकलना चालू करता है देन डेफिनेटली दोस्तों हम
हीरो जीरो कॉल खरीद सकते हैं 44,200-300 का, हीरो जीरो आराम से बन सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। डाउनसाइड की तरफ कब प्लान करेंगे, अगर कल के दिन गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के दोस्तों 43,703 के नीचे आना चालू हुआ, देन ओनली हम पुट बाय करेंगे। इसके पीछे नीट एंड क्लीन कहीं ना कहीं रीजन है। अगर आप देखोगे दोस्तों 43,705 अगर देखेंगे, पहले एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करने के बाद यही सपोर्ट अगेन रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे आया, फिर देखिए रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे आया। अब यही रेजिस्टेंस अगर देखेंगे कल के दिन ब्रेकआउट दे दिया और ये सेम रेजिस्टेंस फिर से आज के दिन बन गया सपोर्ट, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही खेल है। 43,703 के नीचे अगर जाएगा, ये सपोर्ट है, देन डेफिनेटली हमें डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। 43,863 यहां पे क्लोजिंग दिया है, अब आ चुके हैं मैग्नेटिक ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे सिंपली पुट राइटर, और 43,800 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। आज के दिन अगर देखेंगे दोस्तों मार्केट ऊपर ना जाते हुए भी कुछ मोमेंटम नहीं दिया इतना, फिर भी अगर देखेंगे 43,500 के लेवल से -8 लाख से ज्यादा कॉल लेटर भागे हैं, 43,600 के लेवल पे -1 लाख से ज्यादा कॉल लेटर भागे हैं, बट 43,800 के लेवल पे देखिए यहां से जो भी कॉल लेटर निकले हैं यहां पे एक वीकनेस स्पॉट हो रहा है कि ऊपर के तरफ से कॉल लेटर भाग चुके हैं, ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे से तरफ से अपना स्ट्रांग बिल्डअप ले रहा है, लेकिन 44,000 यही तो मैं बोल रहा था 44,000 पे अगर देखेंगे 29 लाख से ज्यादा कॉल लेटर है। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों बोला कि 44,075 के ऊपर ही कॉल बाय कीजिए, क्योंकि देखिए 44,000 पे 29 लाख से ज्यादा कॉल लेटर है। अगर गलती से अगर कल के दिन इसके ऊपर निकलना चालू किया, सारे 29 लाख कॉल लेटर फंसेंगे और मार्केट आपको ऊपर की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। टेक्निकली तो लेवल 44,075 आ रहा है। नीचे की तरफ अगर देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग पुट राइटर है, 43,007 के लेवल पे 26 लाख, उसके नीचे 17 लाख, तो पुट राइटर अपना कहीं ना कहीं जमा करके रखे हैं। कल के दिन इस लेवल के नीचे आया 43,700 तो ही थोड़ा वीक देखने को मिलेगा। जल्दी देख लेते दोस्तों निफ्टी फटाफट, निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज में है। देखिए कल के दिन मस्त निफ्टी उल्टा मस्त बनेगा दोस्तों बाइंग। कल के दिन फ्लैट या फिर गैप अप खुला, 18,887 के ऊपर निकलना चालू किया, सिंपली कॉल बाय कीजिए। इसके पीछे मुझे रीजन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18,887 छोड़िए और पीछे जाना मैं नहीं चाहता, ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया को बताएं, आपको ही बताएं कि 18,887 एक लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो कल के दिन मैं कहना चाहूंगा, देखिए उस दिन भी 18,881 इसी लाइफ टाइम हाई को टच करके निफ्टी बहुत अच्छा खासा फॉल दे दिया। अब इसी लाइफ टाइम हाई के आसपास अगर आप देखेंगे आज के दिन में आया, फॉल दे दिया। ये फॉल को तो हमने देखो यहां से कैच किया, जो लोग फ्री वाले ग्रुप पे जुड़े हैं ये मूव को हमने कैच किया, तो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पहले बन चुका है, एक बार टेस्ट हो चुका है, ये दोस्तों दो बार टेस्ट हुआ, आज के दिन इसी के आसपास 3 बार टेस्ट हुआ, तो कल के दिन और मस्त पैटर्न बना है। अगर आप देखेंगे एक कप एंड आप बोल सकते हैं कि कप पैटर्न बना है, यानी कि ये रहा कप और यह रहा हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाए दोस्तों निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो। कल के दिन फ्लैट खुला, जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा सिंपली बाय करेंगे 18,887 के ऊपर। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं दोस्तों पुट के साइड, तो कल के दिन गैप डाउन खुला और 18,774 के नीचे आना चालू किया, देन ओनली पुट बाय कीजिए। इसके पीछे भी सिंपल रीजन है, 18,774 से 18,794 अगर आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस जोन था। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से डाउनफॉल दिया था, सेकंड टाइम भी टच किया, अगर आप देखेंगे यहां पे टच करके डाउनफॉल दिया था, थर्ड टाइम में जैसे ही टूटा कल के दिन, अगर आप देखेंगे ये पहला रेजिस्टेंस था, ये सेकंड टाइम रेजिस्टेंस टेस्ट किया था, कल के दिन जैसे ही दोस्तों निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, यही रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आज के दिन सपोर्ट के जैसा काम किया, जो ब्लू कलर का जोन में ड्रॉ करके रखा हूं और सपोर्ट टच करके ऊपर चला गया। तो कल के दिन अगर समझ लीजिए दोस्तों गैप डाउन खुला और इसी सपोर्ट के नीचे 18,774 के नीचे प्राइस एक्शन दिखा, यानी कि कहीं ना कहीं डाउन मूव दिया, देन थोड़ा सा अपसाइड अगेन अगर नीचे आया और ये लोग को ब्रेक डाउन करना है, देन डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पुट बाय करेंगे। 18,862 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये कॉल राइटर ये पुट राइटर है, 18,862 इसी के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है दोस्तों, बट यहां पे देखेंगे हालत बहुत खराब है। 18,700 के लेवल पे देखेंगे -9 लाख कॉल राइटर, पसीना छूट चुका है उनका, भाग चुके हैं, क्योंकि ये पैटर्न देखिए दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। आप खुद सोचिए, नहीं आप खुद सोचिए, मुझे कुछ नहीं पता, आप लॉजिकली सोचिए कि मार्केट आज के दिन इतना ऊपर नहीं गया, फिर कॉल लाइटर को हो गया गया भाई, मतलब कभी कभी मार्केट इतना ऊपर जाके भी कॉल लाइटर नहीं निकलते, बट आज के दिन देखेंगे सारे कॉल लाइटर वाइप आउट हो चुके हैं। इसका मतलब है उनको डर है कि कल के दिन शॉर्ट कवरिंग के लिए आएगा मार्केट, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपसाइड का मूव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, इसीलिए तो भागे हैं 9-9 लाख 3-3 लाख कॉल लेटर भागे हैं। तो सिंपल बात है दोस्तों, 18,850 पे देखेंगे 30 लाख से ज्यादा कॉल लेटर अभी भी बैठे हैं और 18,900 हमारा फाइनल लेवल रहेगा, 50 लाख से ज्यादा कॉल लेटर बैठे हैं। अगर इसके ऊपर निकलना चालू करता है निफ्टी तो डेफिनेटली फिर आपको
बहुत अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नीचे तो मतलब कहने की बात ही नहीं है, बहुत अच्छा खासा पुट राइटिंग है। 18,800 के लेवल पे 66 लाख से ज्यादा पुट राइटर हैं, तो क्लियर हो जाता है कि नीचे वाले लेवल से कंप्लीटली सपोर्ट बन चुका है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, और ये ब्रेकआउट ना ट्रेड जरूर करना दोस्तों, बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है कल के दिन, ये याद रखिए। बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है और रेजिस्टेंस भी 3 बार टेस्ट हो चुका है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों हमारा फिन निफ्टी का क्या हाल चाल है। देखिए फिन निफ्टी बहुत सिंपल है दोस्तों, कल के दिन के लिए मैं आपको समझा देता हूं। अगर फिन निफ्टी फ्लैट खुला और 19,660 के ऊपर निकलना चालू किया तो हम कॉल बाय करेंगे। ये भी कॉप एंड हैंडल पैटर्न पे बना है। अगर आप देखेंगे आज के दिन फिन निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुला, ये बना कप, ये बना हैंडल, एंड कल के दिन ये से ब्रेकआउट देगा। तो आज का डे का हाई ब्रेक करेगा अगर कल के दिन फ्लैट या फिर गैप डाउन थोड़ा सा यहाँ पे खुल के जैसे ही 19,660 के ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे, पहला व्यू। दूसरा व्यू पुट कब बाय करेंगे, अगर कल के दिन गैप डाउन खुल के 19,531 के नीचे जाता है देन ओनली पुट बाय करेंगे, क्योंकि 19,531 देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस था, ये मैं बात कर रहा हूँ 19,531 पे, जहाँ पे बार बार फिर निफ्टी टच होकर नीचे आ रहा था। और इसी रेजिस्टेंस को आज के दिन जैसे ही ब्रेकआउट दिया, अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ मूव दे दिया, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अब बन चुका है सपोर्ट, तो 19,531 के नीचे आता है तो हम पुट बाय करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलिए थोड़े से हम सवाल जवाब कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रीति मैम से है कि सर आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, सर मैं स्टॉक मार्केट में नया हूं, मुझे मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे देखना है बताइए। ओके, मैं आपकी एक्चुअली क्वेश्चन समझ गया। देखिए जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करें बोल के, या फिर कंफर्मेशन कैसे लें, देखिए पहले तो मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है। आप अगर ट्रेड लेने जा रहे हैं दोस्तों, समझ लीजिए आपका प्लान है कि यार कल के दिन निफ्टी में बुलिश ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो मल्टी टाइम फ्रेम अगर आप कंफर्मेशन देखना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूं पर्सनली, मैं अगर व्यू है कि यार मुझे बुलिश ट्रेड कल के दिन लेना है या फिर ट्रेंड किस तरफ है, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है, पहले वीकली चार्ट देखना है। वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है कि ठीक है भाई, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सामने एनालिसिस कर रहा हूं, वीकली चार्ट पे क्या देखूंगा मैं कि ठीक है भाई निफ्टी अगर देखेंगे अपना जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट तो दे चुका है, यानी कि एक टिक मार्क पॉइंट क्या मिला, हाँ भाई बुलिश बन सकता है, भाई बुलिश की तरफ ही मार्केट है। वीकली से मैं क्या जाऊंगा, पूरे के पूरे वन डे पे जाऊंगा, वन डे पे भी कहीं ना कहीं मैं अपना व्यू थोड़ा व्यू देखूंगा कि कहां कहां निफ्टी कहीं ना कहीं घूम रहा है और क्या हाल चाल है। यहां पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैं डेफिनेटली ये सोचूंगा कि ठीक है निफ्टी कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे तो बुलिश है, पहले वीकली से स्टार्ट कीजिए, वीकली टाइम पे तो बुलिश है बट वन डे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास निफ्टी खड़ा है। तो यहां से क्लियरली पता चल जाएगा कि कल के दिन वीकली तो बुलिश है, और अगर वन डे टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ कुछ भी मूव दिया फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया तो हम कॉल बाय करेंगे। तो यहां पे कहीं ना कहीं अगर देखेंगे दोस्तों दो हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, करेक्ट, या बात मेरी समझ रहे हैं। उसके बाद वन डे टाइम फ्रेम से आप मैं पर्सनली क्या करता हूं, फिर वन हवर टाइम फ्रेम पे जाता हूं। यहां पे देखिए आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूं, मेरे मन में चार्ट देखते हैं सारा, जो भी आ रहा है मन में मैं बोल रहा हूं। यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि भाई वन हवर टाइम फ्रेम पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पे कहीं ना कहीं सेलर मार्केट को डोमिनेट किए नीचे लेके गए, बायर मार्केट पे डोमिनेट किए ऊपर लेके गए, फिर सेलर ने कोशिश किया मैं देखता हूं, फिर लेकिन आखिर में बायर उठा के लेके गए, यानी कि वीकली में अपसाइड, वन डे पे अपसाइड, वन हावर पे भी जो प्राइस का स्ट्रक्चर है मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हम ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ ही दिखा रहा है। वन हावर से मैं क्या करता हूं, सीधे 10 मिनट या फिर 15 मिनट पे चला जाता हूं, और 15 मिनट पे जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सब कुछ ड्रॉ कर लेता हूं, एंड देन हम ट्रेड लेंगे, कन्विक्शन रहेगा ऊपर की तरफ। तो ये एक बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, होप आप समझ गए मोटा मोटी कि वीकली से लेके वन डे, वन आवर, 30 मिनट, देन 15 मिनट, यही दोस्तों होता है मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए, और अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका ख्याल कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू। और कल का हीरो जी रोटेड मिस मत कीजिए भाई, आप ज्वाइन हो जाइए फ्री वाले ग्रुप पे, जिसको प्रीमियम पे ज्वाइन करना है तो फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन होकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, प्रीमियम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं जहां पे मेरा प्रीमियम क्वालिटी रहता है।